हम लोगों ने एक प्रस्ताव किया, पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए थे, हमारे सीआरपीएफ के जवान, उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित किया जाए। और उसके बाद केंद्र सरकार ने जो प्रभावी कार्रवाई की है उसका भी हम लोगों ने समर्थन। अभी जो ये त्यागी चर्चा कर रहे थे, जो रोस्टर का मामला है, जो बहुत ही सेंसिटिव मामला है, यूजीसी में पहले 200 पॉइंट का रोस्टर होता था नियुक्तियों के। होता था क्या, कोई भी जो वैकेंसी होती थी यूनिवर्सिटी लेवल पर उसको एसेस कर दिया जाता था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया, उसके बाद से 200 से हटा करके 100 कर, 13 कर दिया। इससे जो भी आरक्षित श्रेणी के हमारे जितने भी छात्र हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनको अवसर मिले सेवा का, वो सब प्रबंध किया। तो ये बात जो है केंद्र सरकार भी अवगत है, ये मामला राज्यसभा में भी उठा था और वहां केंद्रीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो ऑर्डर है उसके खिलाफ फिर से वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो हम लोग इस कार्य समिति में निर्णय लिए हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, चूंकि अब तो हाउस सेशन में नहीं है, तो तत्काल जो रोस्टर का पुराना सिस्टम था 200 पॉइंट वाला, उसको लागू करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय। इसके अलावा जो हम लोगों ने अभी हमारा संगठन 3 सालों के लिए बात बनता है, 2019 में हमारा संगठन का अवधि समाप्त होगी। तो हम लोग चुनाव के बाद जून से लेकर के अक्टूबर तक हमारा जो नीचे प्राथमिक इकाई है, मध्यवर्ती इकाई है, जिला स्तरीय इकाई है, राज्य स्तरीय इकाई है और राष्ट्रीय इकाई है, सबका हम लोग गठन करने के लिए जून के बाद से कैलेंडर लागू करेंगे, इस पर भी निर्णय। और एक बात आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे एयरफोर्स के जवानों ने जिस तरह से अपना शौर्य दिखाया, और खास कर अभिनंदन जी लेफ्टिनेंट जो हमारे ये विंग कमांडर अभिनंदन जी ने जिस प्रकार से बिल्कुल एरियल इंगेजमेंट में उनके F-16 को मार गिराया, और उसके बाद से जो हमारी कूटनीतिक जीत हुई 60 घंटे के अंदर वो देश आ गए, तो हम लोग अभिनंदन जी का भी अभिनंदन करते हैं, और साथ ही जो हमारी कूटनीतिक जीत हुई उसके लिए भी केंद्र सरकार को मजबूरी है। एक अंतिम जानकारी और, पार्टी नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय है, ये आपकी जानकारी में, उसी को मद्देनजर रखते हुए अरुणाचल में भी आने वाले समय में चुनाव हो सकते हैं और वहां पर एक आंदोलन भी चला हुआ है, उसी को देखने के लिए, गति देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज श्री SNSN लोथा और श्री आफाक अहमद महामंत्री को कल ईटानगर जाने के लिए निर्देशित किया है। ये वहां जाकर के वहां के हालात पर नजर रखेंगे, असेसमेंट करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष को कृत कार्रवाई से अवगत कराएंगे। बिहार के चुनाव पर क्या चर्चा हुई? बिहार के लिए कमेटी क्योंकि बिहार के चुनाव पर चर्चा ये हुई कि आप जानते हैं कि हमारा 17-17-6 संख्या तय हो गई है, कौन कौन सी सीटें पर लड़ना है तीनों दलों का, उसके बारे में भी चर्चा चल रही है, अब बहुत जल्द हम लोग उसको उसकी घोषणा भी करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।